इतनी ओपन ओपन लग रही है ये। 5 साल की सीट लिए गारंटी देते हैं। नया शेप का फेंडर, पुराने वाला फेंडर आप देख सकते हो, ये रहा। एक साइड से लाइट्स लग गई है, तो ये देखो पूरी कंप्लीट हो गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लास्ट मैंने आपको दिखाया था आगे से टाइम मेंबर कट हुआ था, तो आज एक बार डेमो भी लुक देख लो भाई, अपनी गाड़ी कैसी लग रही है। और नया टाइम मेंबर आप देख सकते हो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आज इंस्टॉल होने वाला है। और इसके साथ साथ और भी चीजें होगी, जैसे जैसे काम होगा आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। पहले गौरव के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज काम क्या होने वाला है। तो यहाँ पे गौरव आ गए, बताओ आज क्या क्या काम होगा। आज हम इसको कंप्लीट टाइम मेंबर फिटिंग कर देंगे, इसकी फेंडर्स इसके फिट कर देंगे, इसके इसके बोनेट हमें तो आदत हो गई इन सब चीजों से, इसके बोनेट फिटिंग और हेडलाइट। तो आज हमारी कंप्लीट इसकी फ्रंट लुक, एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से रेडी होती है। बेसिकली अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे ना, तो आज आपको देखने में ऐसा रिजेम्बलेंस आने लग जाएगा कि हाँ वही कुछ लुक लग रही है लेजेंडर की। फ्रंट फ्रंट पार्ट की मोस्टली चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, तो वो पूरी जो लेजेंडर वाली लुक है ना, वो यहाँ पे देखने लग जाएगी। आज आपको हम बेसिकली इस लुक में ला देंगे। इसमें अभी हमारी हेडलाइट और ग्रिल और बम्पर की फिटमेंट नहीं है, पर आज आपको छोटा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ फ्रंट से इस फेज में आने तक क्या क्या प्रोसेस रहता है और किस तरह से रेडी होती है। दिख भी रही है ये, अगर आप देखोगे तो आपको पूरी रिजेम्बलेंस आ रही है, शेप की चेंज हो चुकी है फ्रंट से। तो इस सिचुएशन तक अपनी गाड़ी आज आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नए वाला टाइम मेंबर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, मतलब इन प्रोसेस ही है। और एकदम ना नई नई फील आ रही है इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और थोड़ी देर में आप देखोगे कि प्रॉपर लेजेंडर वाली शेप आपको यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार फ्रंट फ्रंट से ना पूरी लुक आने लग जाती है, उसके बाद एक बार लाइट्स वगैरह भी थोड़ी हम रख के आपको प्लेस करके दिखा देंगे, आपको समझ आएगा कि हाँ यार यहाँ पे पूरी लुक चेंज होती हुई नजर आ रही है। गौरव आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये चीज होती है कि आफ्टर ऑल ये जो टाइम मेंबर लग रहा है ये इसका नहीं है, ये दूसरी गाड़ी का है। yes, हालांकि आप इसको पूरा कन्वर्ट कर दोगे, right? बट कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं, कि problem, मतलब ऐसे ही लगा problem, रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम वाला कुछ है ही नहीं, हमें सिर्फ हेडलाइट सपोर्ट छेड़ रहे हैं। अभी जैसे फिटिंग खुली है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लोग कहते हैं कि चेसिस से तो कोई खिलवाड़ नहीं रहा, चेसिस से कुछ नहीं हो रहा, तो देखो चेसिस इसकी कहाँ पर है। तो उससे कोई मतलब इतनी दूर दूर तक हमारा कोई चेसिस से या बॉडी फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। इसका एप्रन अपनी जगह पे है, इसकी लेग्स अपनी जगह पे है, वी आर जस्ट रिप्लेसिंग इट्स ओनली हेडलाइट सपोर्ट्स। उसमें कोई दूर दूर तक कोई गाड़ी की बॉडी लाइन में कोई फर्क नहीं आता। हम इसको प्रॉपर बोल्ट से ही एज टू एज फिटिंग करते हैं, तो ये प्रॉपर बोल्ट पे ही है, ये नहीं कि खाली वेल्डिंग कर दिया। उसको अपनी शेप पे मतलब अपनी जगह पे आने के बाद उसको बोल्ट फिट कर रहे हैं। हम 5 साल की सीट लिए गारंटी देते हैं। बॉडी लाइन से भी लोग क्वेश्चनिंग करते हैं कि इतने लॉन्ग रन पे ये खड़क जाएगी गाड़ी। हाँ, मैं 5 साल की 100% ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि हमारी वारंटी आपको मिलेगी बॉडी लाइन से। अगर आप ऑलरेडी, हम इसलिए इतने श्योर इसलिए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं गाड़ियाँ, बैंगलोर करी है हमने, पंजाब करी है, हैदराबाद करी है, मुंबई करी है, तो इन सिटीज में हमारा एक्सपीरियंस कस्टमर्स के साथ हम फॉलोअप भी ले रहे हैं। तो अच्छा है कि कोई ऐसा इशू नहीं है कि गाड़ी जाने में कोई खड़क रही है, तो इन सब चीज़ों से कोई मेजर इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अगर आप नॉर्मल गाड़ी भी लेते हो, फ्रंट से हल्का फुल्का डैमेज होती है, तो टाइम नंबर सब भी चेंज होता है, तो इसमें कोई मेजर डैमेज नहीं है। यार बहुत सारे लोग ना ये चीज पूछते हैं कि जैसे यहाँ पे टाइम नंबर दूसरा लगाया गया है, दूसरा चेंज हुआ है, तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आप कोई नॉर्मल गाड़ी भी लेते हो, आगे से कहीं टच हो गई, कहीं हिट हो गई, कहीं से फ्रंट से टाइम मेंबर बेंड हो गया, तो उसको भी चेंज किया जाता है। तो सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसको चेंज करने का मेन मोटिव यही है ताकि ये जो इसकी शेप है ना, यहाँ पे बोल्ट पे फिटिंग हो सके, इसके हेडलैम्प्स की, इसकी ग्रिल की प्रॉपरली फिटिंग बैठ सके। क्योंकि जो ओल्ड वाली फॉर्च्यूनर है उसका टाइम मेंबर अलग है, उसके हेडलैम्प्स की शेप डिफरेंट है, वेयर एज अब जो लेजेंडर की लगने वाली है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए जो एक रॉ बेस चाहिए ना, वो प्रिपेयर करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे टाइम मेंबर चेंज किया जाता है। अभी आप ओल्ड वाले टाइम मेंबर का कट पार्ट देख सकते हो, ये हेडलैम्प का पार्ट है, देख सकते हो यहाँ पे दोनों की शेप में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब बट ऑब्वियस है क्योंकि हेडलैम्प की शेप में डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमें पीछे वाला बेस भी चेंज करना पड़ेगा ताकि जो नया वाला हेडलैम्प है वो प्रॉपरली फिट हो सके। तो यहाँ पे ना अभी इस पे बोनट फिट होने वाला है, और अपना गाड़ी का बोनट देख सकते हो, वहां से वो उठा करके लेकर आ रहे हैं। यार अपनी फॉर्च्यूनर पे तो अभी काम चल रहा है, लेकिन मैं आपकी गाड़ी के लिए एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ, वो है इन्वॉल्व का फ्रेंच फूड परफ्यूम। यार इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ये, और आपने इसको यहाँ से रेगुलेट भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा खुशबू चाहिए तो आप इसको पूरा ओपन रख सकते हो, और अगर मीडियम चाहिए तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर से स्पिल प्रूफ है ये, देखो कहीं भी गिरता ढुलता नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है इसको कैरी करना। ये तो मेरे लिए था, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज कर लेना, 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आप देख सकते हो। तो
ब्रांड न्यू चीजों की ना बात ही अपनी होती है। तो अभी ये आप देख सकते हो गाड़ी का बोनट रखा जा रहा है। बेसिकली इसके बोनट लगाने के लिए हमें इसके हिंजेस भी चेंज करने पड़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके टाइप 2 के हिंजेस इस तरह से आते हैं और ये हिंजेस चेंज हो जाते हैं। उसकी फिटमेंट प्रॉपर आए और उसके लिए हम हिंजेस चेंज करेंगे, बोनट भी हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। और बोनट भी आप देख सकते हो कि हम ब्रांड न्यू बोनट है और विद पेस्टिंग है। आप ये देखेंगे, यूजली मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आप पार्ट, बॉडी पार्ट कोई भी गाड़ी का चेंज करवाएं कहीं से भी, तो उसमें यूजली कोशिश करा करें कि ये पेस्टिंग सारी आनी चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल पार्ट्स में पेस्टिंग कंप्लीट इसके साथ होके आती है। और अभी ये पूरी फिटमेंट हो जाएगी तो फिर आगे थोड़ा सा प्रोसेस आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स जैसे टाई मेंबर है या फिर ये बोनट है, तो ये आप नए यूज कर रहे हैं? नहीं, इसलिए यूज करते हैं, एक तो उनकी फिट एंड फिनिश अच्छी आती है, फिटिंग आती है, और जब हम पेंट प्रोसेस पे जाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा स्मूथ पेंट आता है। तो जो चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको नया ही लिया जाए। हम डोर्स भी या तो हम डालते हैं तो वो भी ऐसा डालते हैं कि बिल्कुल फ्रेश पीस होता है। प्रेफर करते हैं कि डोर टोयोटा ओरिजिनल कोई यूज मिल जाए तभी हम यूज डाल रहे हैं, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर नई चीज ही डालें और ओरिजिनल डालें। एज फार एज पॉसिबल जितना ट्राई करते हो आपकी नया रहे, बट जहाँ नहीं हो रहा ठीक है वहाँ पे आप यूज भी डाल देते हो तो ठीक है, बट वो लगे फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश लगे और ओरिजिनल ही हो, टोयोटा ओरिजिनल ही हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोनट की फिटिंग चल रही है, हिंजेस यहाँ पे ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, और ये जो बोनट है ना अपनी गाड़ी पे लगने वाला है बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अंदर से आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश है, तो इसकी जो फील होती है ना वो अलग ही होती है। और इसमें जो ब्लैक कलर है ना ये बहुत सुंदर लगता है यार, ऑनेस्टली। हालांकि ये बाद में चेंज होना है, पर ऐसे लगा वो बहुत प्यारा लगता है। कल जो अपनों ने जैगवार दिखाई थी, इसका काम कहाँ तक पहुंचा? अभी इसका काम चल रहा है, अभी हम इसकी TCM प्लेट और इसकी कुछ फिटिंग्स हैं जो ऑलरेडी क्लीन कर रहे हैं, और फिल्टर्स, इसके चैम्बर प्लेट्स, ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। अभी ये देखिए आप, ये इसका TCM है, ऑयल कूलर बॉडी फटने की वजह से जितने भी इसके पाइप्स है सब में उसके थ्रू TCM तक भी, गियर बॉक्स तक भी ये सब ऑयल जा चुका है। देखो ऑयल पानी सब मिक्स, तेल पानी मिक्स हो गया, देखो गंदगी इसकी सारी, ये सब है, तो उसकी वजह से ये सारे सेंसर्स हैं इसके, ये TCM खराब हो गया, ये खराब हो गई, शॉर्ट हो गई उसके जाने की वजह से। तो अभी हम क्लीन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको रिपेयर करके और हम इसके फिल्टर्स और ऑयल का चैम्बर, ये सब चीजें नया डाल के फिर उसको कंप्लीट करेंगे। ये बेसिकली ये ऑयल कूलर बॉडी होती है जो जिसके फटने से अंदर से इसके जो पैकिंग होती है वो फटती है और उसकी वजह से तेल पानी मिक्स हो जाता है, तो ये चेंज करेंगे। जिसकी चैम्बर प्लेट है ये भी महले की, हम सारे ओरिजिनल पार्ट्स यूज करते हैं, तो ये सब तब चेंज करते हैं, इसको तब फिट करके फिर इसको स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से ही इसका गियर भी इशू आ रहा है कि गियर काम नहीं कर रहा है। पहले TCM प्लेट, ये भी बहुत टेक्निकल काम है, तो अभी इस पे वर्किंग चल रही है। तो यहाँ पे ये जो बोनट है ये प्रॉपरली फिट हो गया है। अब इसके जो चारों डोर्स है और इसके अलावा जो इसकी डिग्गी है वो भी उतरनी स्टार्ट होगी, कि जो डोर के नट है वो निकल रहे हैं। लो भाई अपनी फॉर्च्यूनर यहाँ पे रेगुलर बन गई है। डोर खोलना कितना सोखा है, यहाँ पे ये जो दो नट देख रहे हो और नीचे ये जो दो नट देख रहे हो ये खोलने होते हैं और उसके बाद डोर खुल जाता है। तो अगर अपनी फॉर्च्यूनर में किसी को रेगुलर वाला फील लेना है तो ये चारों नट खोलो और डोर उतार लो। और इसी के साथ ये जो आप वायरिंग का कपलर देख रहे हो ना ये भी निकलता है। ये देख लो भाई, यहाँ दोनों के दोनों दरवाजे निकल चुके हैं, कितनी ओपन ओपन लग रही है ये। बढ़िया बात है यार, सारे दरवाजे निकलाओ और ऐसे ही गाड़ी चलाओ, अलग ही फील आएगी। यार ये सारी मजाक की बातें थी, ये सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। वो आप देख सकते हो वहाँ पे वो वायरिंग निकल रही है और उसके बाद ना पूरा डोर निकल जाएगा। यार ये जो फॉर्च्यूनर अपने बना रहे हैं लग कैसी रही है? कैसी लग रही है? हाँ। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो भाई ये आ गया नया शेप का फेंडर जो अपनी गाड़ी में लगने वाला है। पुराने वाला फेंडर आप देख सकते हो, ये रहा, बिल्कुल ब्रांड न्यू है जैसा कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। अब ये यहाँ पे फिट होने वाला है और है ना इसकी फिनिशिंग जनरली बहुत अच्छी आती है। जैसे हमने यहाँ बोनट लगा हुआ मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उसकी भी फिनिशिंग बहुत प्यारी आ रही है, और क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है ना तो इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेंडर अभी फिट नहीं हुआ है, इसको ना मैच कर रहे हैं ताकि कोई भी फिटिंग के टाइम पे पैनल गैप्स ना आए और ये प्रॉपरली फिट हो जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कोई भी पैनल गैप यहाँ पे नहीं आता, बड़ी प्यारी फिनिशिंग आती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उधर साइड का तो फेंडर फिट हो ही रहा है, ये दूसरी साइड का भी लगना स्टार्ट हो गया। एक बार ये दोनों के दोनों प्रॉपर्ली फिट हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मजा आ जाएगा देख के, बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है। अपनी गाड़ी का तो फेंडर फिट ऑलरेडी हो ही रहा है, एक इसका देख लो आप, यहाँ पे फेंडर्स पूरे फिट हो रखे हैं और ये देख सकते हो यहाँ पे कोई भी पैनल गैप आपको नजर नहीं आएगा, बहुत ही प्यारी फिटिंग हो रखी है। अभी यहाँ पे दोनों साइड के जो फेंडर्स है वो प्रॉपर्ली फिट हो गए, एक बार ना बोनट नीचे करके भी आपको दिखा देंगे कि बिल्कुल सही फिट हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हेडलाइट्स है ना वो भी आपको लगा के दिखा देते हैं, क्योंकि प्रॉपर लेजेंडर वाली शेप यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई है, एक बार वो भी रख के दिखा दो। इसके हेडलैम्प्स है जो कि हम इसके हेडलैम्प्स फिट करेंगे और
बम्पर बम्पर फिट करके थोड़ा सा फ्रंट फेशिया हमारा निकल के आएगा कि लेजेंडर की लुक में किस तरह से आता, तो वो हम एक बार आपको लगा के दिखा देंगे। ये जो लाइट्स है ये है कौन सी? ये इम्पोर्ट होके आती है, ये टोयोटा ओरिजिनल नहीं होती लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, ये इम्पोर्ट होती है बाहर से। और इसकी हमारे पास वारंटी भी मिलेगी कि इसमें मॉइस्चर आ जाए या कोई शॉर्ट हो जाए, कोई भी इशू होता है तो हम वारंटी वाली कितने टाइम की है? वन ईयर वारंटी देते हैं हम इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पे, कोई भी चीज लगाते हैं वन ईयर की वारंटी देते हैं उसमें। बाकी जब ये प्रॉपर फिट हो जाएगी तो इसका रिस्पांस वगैरह एक बार हम चेक करवा देंगे। अभी आपको लुक दिखा देते हैं क्योंकि बहुत सुंदर इस तरह से लुक आता है फ्रंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट्स फिट हो रही है, ये देख सकते हो यहाँ पे एक साइड से लाइट्स लग गई है। यार इसकी जो लाइट्स है ना जेन्युइनली बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, ऐसा लगता है बिल्कुल घूर रही हो। और इतना प्यारा डिजाइन है ना, मतलब हर किसी को पसंद आने वाला डिजाइन है ये टाइम मेंबर चेंज करने का ना आपको असली बेनिफिट दिखाती हूँ। यहाँ पे आप ये जो हेडलाइट्स देख रहे हो ये प्रॉपर बोल्ट पे फिट हुई है, ये यहाँ पे देख सकते हो अभी बोल्ट लगेगा और ये यहाँ पे, इसमें ना कोई भी गैप वगैरह नहीं आएगा क्योंकि ये बोल्ट पे बैठी है ना, तो कोई जुगाड़ की वजह से नहीं लग रही है, इसी वजह से ये टाइम मेंबर चेंज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ना टोटल फोर बोल्ट्स पे फिट हुई है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और फोर्थ यहाँ पे है, कोई भी जुगाड़बाजी नहीं है, प्रॉपर नट टू नट फिट हुई है। ये देखो पूरी कंप्लीट हो गई है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आज अगर आप इसको लास्ट में फ्रंट से देखोगे ना तो आपको बिल्कुल लेजेंडर वाली फील आएगी जो कि यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। और इसका ये जो आप बम्पर देख रहे हो उसको हमने प्रॉपरली फिट नहीं किया है क्योंकि इसको पेंट करना अभी, तो एक बार मैं आपको लगा के दिखाना चाह रही थी, देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हुआ है वो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ वाला काम। तो यार आज जितना भी काम हुआ हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया, सारे डोर्स रिमूव हो चुके हैं, फ्रंट से आपको पूरा लेजेंडर वाला फील दिखा दिया, बोनट लग गया, फेंडर्स लग गए हैं और लाइट्स वगैरह सारा कुछ लगा के जो लुक आ रही है वो आपको दिखा दी। अब कल काम कंटिन्यू किया जाएगा और कल ना मेजर काम होने वाला है क्योंकि कटिंग चॉपिंग जितनी भी होनी है वो कल होएगी, तो वो आपके साथ में शेयर करूंगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो सके क्योंकि एट दी एंड मैं भी चाहती हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, इसको फाइनली फिनिश होनी चाहिए, एटलीस्ट हम इसको चला पाए तो खत्म हो जाएगी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप लोग तो वैसे भी इसका वेट कर ही रहे थे। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।